पूर्णिया से एनडीए के गद्दावर नेता उदय सिंह, जो 10 साल पूर्णिया से सांसद रह चुके 2004 से 2014 तक, 2019 में कांग्रेस का हाथ थाम चुके हैं, हमारे साथ खुद उदय सिंह जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, काफ़ी लंबे समय तक आप एनडीए के साथ बीजेपी के साथ रहे, क्या हुआ अचानक कि आप बीजेपी छोड़ के अब कांग्रेस में आ गए? मैंने समझाने की कोशिश की है बहुत लोगों को कि बीजेपी वो नहीं रही जो बीजेपी वाजपेयी जी के समय और आडवाणी जी के समय थी। मोदी जी से जो हम लोगों को उम्मीदें थीं वो उम्मीदें गलत साबित हुई, और जिस तरह से पार्टी अपनी नीति को बदलकर सत्ता में काबिज रहने के लिए सभी चीज़ों से समझौते करने लगी, देश को चलाने के कामकाज के तरीके से या राजनीतिक क्षेत्र में जिस तरह से लोगों के साथ समझौते करने लगी, हम लोग जैसे कार्यकर्ताओं को वहाँ घुटन महसूस होने लगा, और इस कारण मैंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ दिया। 2004 से 2014 तक आप पूर्णिया से सांसद रहे, 2014 में आपकी वहाँ से शिकस्त हुई जी, तो अब 2019 में आप कांग्रेस में आए हैं, तो क्या आपको इस बार वहाँ पर जीत मिलेगी? पूर्णिया के लोग आपको फिर से एक बार सांसद बनाएंगे? देखिए, मैं सच्ची बात कहता हूँ, आप लोग इसको अन्यथा लेंगे, कि मुझे खुद नहीं मालूम कि अभी मैं चुनाव लड़ूंगा या नहीं, ये मेरे पार्टी का, मेरे गठबंधन का निर्णय होगा। लेकिन अगर पार्टी और गठबंधन ये जिम्मेदारी मुझ पर देगी तो मैं ज़रूर लड़ूंगा, और मैं विश्वास रखता हूँ कि इस बार बहुत मतों से कांग्रेस पार्टी हो या गठबंधन की जो भी वहाँ से लड़ेंगे उनकी बहुत अच्छे से जीत होगी। पूर्णिया से पप्पू यादव भी आते हैं, उनकी पत्नी जो है रंजीता रंजन, वो वहाँ से सांसद हैं, लेकिन अब उनके पति जो है वो पूर्णिया से नहीं है, लड़ने की बात वो पूर्णिया से नहीं है, वो मधेपुरा से हैं। एक जगह से वो दो बार लड़ नहीं सकते क्योंकि काम करते नहीं हैं, पूरे देश के नेता बने फिरते हैं, लोगों से समझौते करते हैं, तो इसलिए पप्पू यादव की बात करना मेरे लिए कोई उचित नहीं। एक आखिरी सवाल, प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पे आरोप लगाया है कि कांग्रेस जो है वो वंशवाद की राजनीति करती है, परिवारवाद की राजनीति करती है। इसका उत्तर मैं बाद में दूंगा, लेकिन अगर मोदी जी के परिवार में किसी ने ये सोचा ही नहीं कि वो देश सेवा के लिए राजनीति के क्षेत्र में जाए, तो इसमें कांग्रेस वालों की क्या कसूर है? उदय सिंह जी हैं और पप्पू सिंह, अब कांग्रेस में लंबे वक्त के बाद एनडीए में से निकल के कांग्रेस में शामिल हुए हैं, लेकिन अब देखना है कि पूर्णिया से जो इनकी वहाँ पे पकड़ रही है, शुरू से ये पूर्णिया से बिलोंग करते हैं, तो अब चुनाव ये पूर्णिया से लड़ते हैं या इनकी वहाँ से शिकस्त होती है या जीत होती है, ये तो अब हाई कमान के फैसले का ही इंतजार है, जैसा कि पप्पू सिंह ने कहा। वीडियो जर्नलिस्ट रासिल के साथ अभिनव रंजन, हेडलाइंस बिहार।